mb की वीडियो क्लासेस में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकंड लेक्चर। किसके लिए? मेमोरी टॉपिक के रिमेनिंग पार्ट के लिए। आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा होगा जहां मैंने आपको मेमोरी के बारे में बताया था, और हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड क्लास मेमोरी के वो पार्ट्स जो कल हमने डिस्कस किए थे या अपनी पहली वाली क्लास में लोगों ने डिस्कस किया था। आप लोग अगली क्लासेस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके YouTube चैनल पर एक बेल आइकन बना होगा और सब्सक्राइब बना होगा जहां आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस क्लास की नेक्स्ट वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। आप मेमोरी का नेक्स्ट पार्ट, इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि मेमोरी का अनुक्रम क्या है, या हम कह सकते हैं कि मेमोरी हमारी जो कार्य करती है वो सबसे पहले अपनी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सबसे ज्यादा फास्ट मेमोरी कौन सी होती है। तो सबसे ज्यादा फास्ट मेमोरी होती है हमारी रजिस्टर्स। कई लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी होती है कैश मेमोरी, लेकिन एक्चुअल होता क्या है कि रजिस्टर सबसे ज्यादा फास्ट मेमोरी होती है। तो हमने मेमोरी अनुक्रम को दो भागों में बांटा हुआ है, एक तो स्पीड के आधार पर, दूसरा कैपेसिटी के आधार पर। स्पीड के आधार पर कौन सी मेमोरी सबसे पहले ज्यादा तेज स्पीड से काम करती है, सबसे पहले हम बात करें कि रजिस्टर सबसे ज्यादा स्पीड से काम करते हैं, उसके बाद काम करती है अपनी कैश मेमोरी, उसके बाद आती है मेन मेमोरी, या मेन मेमोरी को हम बोल सकते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसे मुख्य मेमोरी के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क, उसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिक टैप। यानी मैग्नेटिक डिस्क की हम बात करें तो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी। मैग्नेटिक टैप की बात करें तो डीवीडी आर, सीडी आर, ये अपनी क्या कहलाती है, मैग्नेटिक टैप कहलाती है। तो सबसे ज्यादा स्लो जो मेमोरी काम करती है वो किसकी होती है, मैग्नेटिक टैप की। अब क्षमता क्या था, तो ये दिया हुआ है, ये सेलों से हम समझ सकते हैं कि ये बढ़ता हुआ क्रम है, यानी कि सबसे ज्यादा स्पीड से काम करने वाली रजिस्टर, सबसे स्लो मैग्नेटिक टैप, उससे ज्यादा स्पीड से काम करती है मैग्नेटिक डिस्क, उससे ज्यादा स्पीड से काम करती है मैन मेमोरी, उसके बाद कैश मेमोरी, और सबसे ज्यादा फास्ट से काम करती है वो है रजिस्टर्स मेमोरी। अगर क्षमता के आधार पर देखें तो सबसे कम क्षमता या स्टोरेज कैपेसिटी किसकी होती है, रजिस्टर्स की। उसके बाद क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पर काम करता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 bits को स्टोर किया जा सकता है, 0 और 1 को। कैश मेमोरी उन प्रोग्राम्स को लेकर रखती है जो प्रोग्राम में बात कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा मेमोरी को ऑपरेटिंग सिस्टम को देने की आवश्यकता होती है, या नहीं कह सकते हैं कैश मेमोरी है क्या। सबसे पहले यहां डिफाइन करें कैश मेमोरी को, तो कैश मेमोरी वो साधन है जिसकी सहायता से ऑपरेटिंग सिस्टम स्पीड से कार्य कर सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कैश मेमोरी के अवेलेबल होने पर ही हमारा हार्ड डिस्क और सीपीयू एक साथ चल सकते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है वो हमने देखा कि सीपीयू से कम होती है, इसलिए इन दोनों को एक साथ चलाने के लिए क्या किया जाता है, कैश मेमोरी भी यूज किया जाता है। तो कैश मेमोरी फास्ट होती है लेकिन रजिस्टर से फास्ट नहीं होती। तो सबसे ज्यादा क्या है, यानी कि क्वेश्चन हमारा बना कि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी क्या होती है, रजिस्टर। रजिस्टर के बाद आता है कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक और मैग्नेटिक टैप। अब आते क्षमता क्या होता है, सबसे कम क्षमता होती है रजिस्टर की। ये एरो आपको बता रहा है कि ये क्या है, एक बढ़ता हुआ क्रम है कि क्षमता रजिस्टर मेमोरी बहुत कम होती है, उसके बाद कैश मेमोरी, उसके बाद मैन मेमोरी, उसके बाद आता है आपका मैग्नेटिक डिस्क, फिर उसके बाद आता है मैग्नेटिक टैप। इस प्रकार से मेमोरी अनुक्रम बनता है, यानी हमारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं कि कौन सी मेमोरी सबसे ज्यादा फास्ट है। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, स्पेशली अगर हम बात करें तो व्यापम के एग्जाम में, जहां पटवारी के लिए अभी ज्यादातर बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हमने बताया हुआ है एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पैरामीटर्स ऑफ मेमोरी, यानी कि मेमोरी को मापने के लिए मापदंड क्या है। सबसे पहली चीज कि स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि क्षमता आधार, यानी कि किसी भी चीज को भंडारित करने की क्षमता क्या है, यानी कि उसमें कितना सामान रखा जा सकता है, कितना डेटा रखा जा सकता है, उस आधार पर मेमोरी को मापते हैं। दूसरा आधार एक्स मोड, यानी कि हमारी मेमोरी किस मोड पर काम कर रही है। मोड होते हैं 3 types के, एक जैसे कि अपन बात करें रैंडमली, सीक्वेंसली, ठीक, रैंडमली, सीक्वेंसली, और थर्ड होता है अपना लाइनर। ये 3 प्रकार से
डेटा एक्सेस होता है। तीसरा अपन आधार मानते हैं एक्सेस टाइम को, यानी कि तीन आधार होते हैं जिन्हें मेमोरी से मेमोरी को मापा जाता है। जैसे थर्ड आधार है अपना एक्सेस टाइम, यानी कि कम समय में ज्यादा चीजें प्रोसेस करना, उस हिसाब से अपन मेमोरी को भी मापते हैं। ठीक है, का अगला चैप्टर है अपना मेमोरी यूनिट्स, यानी कि मेमोरी को मापने के लिए कौन कौन सी इकाइयां प्रयोग की जाती हैं। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी की इकाई क्या है? बिट। बिट जीरो और एक इसमें रहता है। जीरो का मतलब जहां मैं बता चुका हूं पहले क्लास में, जीरो का मतलब होता है ऑन, सॉरी ऑफ, और वन का मतलब होता है ऑन। बिट सिग्नल के फॉर्म में आता है, सिग्नल ओनली, जीरो या बंद या दोनों बिट्स को सेव कर सकता है। इसके अलावा अगर हमें बहुत बड़ी इकाई का प्रयोग करना है, बहुत बड़ी यूनिट्स का प्रयोग करना है, स्टोरेज क्षमता ज्यादा है, स्टोरेज डेटा ज्यादा करना है, तो उसके लिए हम हार्ड डिस्क, कॉपी, डीवीडी, सीडी इनका प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ी इकाई है यूनिट्स की हमारी जीओबाइट, जिसको हमने बाइनरी नंबर में सॉल्व किया है 2 की पावर 7। ये मान सबसे बड़ा मान होता है यूनिट्स को मापने का, जियोबाइट किसे कहते हैं। लेकिन हमारे एग्जाम में जो सबसे बड़ी और छोटी बाइट्स के लिए या छोटी यूनिट्स के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें क्या आता है, सबसे छोटी यूनिट्स क्या है? बिट। सबसे बड़ी यूनिट्स को अपन क्या मानते हैं? टेराबाइट्स। लेकिन मैंने इसके आगे और भी बताया आपको, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है पेटाबाइट बोलते हैं इसको, जो 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि बिट, बिट के बाद आता है निबल। एक निबल में 4 बिट्स होते हैं, 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, 1 किलोबाइट्स में बात करें तो 1024 बाइट होते हैं। इसके बाद अपन बात करें कि 1 मेगाबाइट से बराबर होता है 1.24 किलोबाइट्स, 1 गीगाबाइट होता है 1.024 मेगाबाइट्स, 1 टेराबाइट इक्वल टू होता है 1.024 गीगाबाइट्स, एंड 1 पेटाबाइट इक्वल टू होता है 1.024 टेराबाइट। तो ये हमारे कंप्यूटर को मापने के लिए इकाई है जिनका प्रयोग हम इनको मापने के लिए, यानी कि कंप्यूटर में मेमोरी मापने के लिए करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सिग्नल के फॉर्म में हमारा डेटा आता है, जिसमें सबसे छोटा इकाई जो बिट है वो 0 या 1 को ही सेव कर सकता है। हम बात करते हैं रैम की, तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह एक मेमोरी की वो चिप है जो सीमॉस की बनी होती है। सीमॉस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिसमें आईसी की सहायता से डेटा को स्टोर किया जाता है। यह मेमोरी फ्लिप फ्लॉप और सेमीकंडक्टर डिवाइस से मिलकर बनती है। यह मेमोरी डेटा एक्सेस करने के लिए प्रयोग की जाती है। यदि कोई डेटा एक्सेस करना हो, यानी कि डेटा को चलाना हो, तो इस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, या फिर इस डेटा को स्टोर करना हो। लेकिन वो डेटा तब तक इसमें रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। जैसे कंप्यूटर को ऑफ किया जाता है यह डेटा डिलीट हो जाता है, इसलिए इसे वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, यानी कि अस्थाई मेमोरी भी कहा जाता है। वॉलेटाइल मेमोरी इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अस्थाई मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि जैसे कंप्यूटर ऑफ होता है यह मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है। रैम को निम्न भागों में बांटा गया है, जैसे कि हमने बताया कि एस रैम, डी आर एम, एस डी रैम और वी आर एम। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस मेमोरी में अगर हम बात करें तो कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करें कैपेसिटर जो क्या करता है, चार्ज और डिस्चार्ज करने का कार्य करता है। ये मेमोरी बहुत ही कम रिफ्रेश की जाती है। रिफ्रेश का मतलब होता है डेटा मिलना, यानी कि चार्ज होना और डिस्चार्ज होना, ये रिफ्रेश का मीन्स होता है। लेकिन डायनेमिक मेमोरी लगातार रिफ्रेश होती है, इसलिए इसकी स्पीड क्या होती है? कम होती है। डायनेमिक मेमोरी स्टैटिक मेमोरी से काफी चीप, यानी हम कह सकते हैं सस्ती होती है, लेकिन स्टैटिक मेमोरी जो होती है ये बहुत ही कम रिफ्रेश होती है। ये इसके अंदर डेटा रहता है वो जब लॉस होता है, जैसे हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं। डायनेमिक मेमोरी में डेटा आता और जाता रहता है, इसलिए इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि इसी कंप्यूटर की गति को बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि रिफ्रेशमेंट, या अपन कह सकते हैं रिफ्रेश इसको करते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं स्टैटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको बोलते हैं सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
ये भी डायनेमिक मेमोरी है जो सिंक्रोनस, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डेटा को सिंक्रोनस यानी कि उससे संबंधित रहती है जो कार्य हो रहा है। सबसे पहले अपन बात करते हैं नेक्स्ट की वीरैम, इसको जरा हम समझते हैं। जैसे कि हमारे कंप्यूटर में आपने सुना होगा कि ग्राफिक्स कार्ड होता है, ग्राफिक्स कार्ड यानी कि जो गेम वगैरह खेलने के लिए एक स्पेशल कार्ड का उपयोग करते हैं उसे ग्राफिक्स कार्ड कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये काफी कॉस्टली होता है, इन रैम में से सबसे ज्यादा जो एक्सपेंसिव होता है वो अपने क्या होता है वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये ग्राफिक्स कार्ड होता है सिंपली भाषा में अगर हम कहें। और हम जैसे जान इसका प्रयोग हाई पिक्सल्स गेम्स मूवी इन आदि को चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं कि रैम जो कार्य करता है वो उस समय तक कंप्यूटर में सेव रहता है जब तक कोई कार्य एग्जीक्यूट हो रहा हो या चल रहा हो, तो मेमोरी किस हिस्से में जाकर रहता है रैम। इसके बाद हम बात करते हैं जहां डेटा स्थायी रूप से सेव रहता है उससे हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी के बारे में। तो रीड ओनली मेमोरी यानी कि जहां डेटा सिर्फ पढ़ा जा सकता है ना तो राइट किया जा सकता है। राइट करने के लिए अगर हम ऐसा करते हैं तो उसके लिए हमें विभिन्न उपकरणों की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे सबसे पहले बात करें कॉम की, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी कि एक आईसी की बनी सेमीकंडक्टर डिवाइस एक चिप होती है जिसमें प्रोग्रामिंग की जाती है, फिर उसे डिलीट नहीं किया जा सकता। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो मेमोरी क्या हो जाती है डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक होती है ईपीरोम, इसका एक दूसरा नाम होता है यूवी ईपीरोम यानी कि अल्ट्रा वाइड रेंज की सहायता से जिसमें प्रोग्राम को रेज कर सकते हैं फिर उसे प्रोग्रामिंग किया जा सकता है, उसे रीड ओनली मेमोरी को हम क्या बोलते हैं ईपीरोम के नाम से जानते हैं, यूवी ईपीरोम के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी कि विद्युत की सहायता से जहां डेटा को क्या किया जा सकता है इरेज किया जा सकता है और उसे प्रोग्राम भी किया जा सकता है, उस मेमोरी को बोलते हैं ईपीरोम के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहली चीज की क्वेश्चन आता है एग्जाम में बायोस मेमोरी किस भाग में सेव होता है, तो बायोस हमारा जो सेव होता है वो होता है रैम यानी सॉरी रोम में। रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है बायोस सेव होता है बेसिक आउटपुट इनपुट सिस्टम्स यानी कि सबसे पहले जैसे ही हम आदेश देते हैं कंप्यूटर को एक्सेप्ट या अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाते हैं तो रोम में रोम से सबसे पहले रोम के अंदर जो बायोस होता है उसके इंस्ट्रक्शन आते हैं, वहां से डेटा हमारा कहां पहुंचता है बूटिंग लोडर पर और फिर बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इस प्रकार हमारा कंप्यूटर स्टार्ट